भाई साहब, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेरे पास iPhone 14। ठीक है, अभी जो जिस ट्रिप पे जा रहे हैं ना हम, उस पे हम लेके जा रहे हैं कम से कम 5.5 करोड़ का फोन होगा। नहीं, 5.5 करोड़ का फोन है भाई ये। ठीक है, ये भाई जो अभी आपने स्कॉर्पियो देखी ना, तो स्कॉर्पियो वाले ने इस अपने भाई को, मामा यादव जी को, इनको ये केक दे के चले, कह रहे एक्चुअली 500 वाले को दे जाना। ये क्या मतलब हुआ मेरा भाई? This is how I like it. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में मजे ले रहे होंगे। मस्त नहीं ले रहे तो तुम्हारा भाई है मजे दिलाने का। तो फिलहाल मैं मेरी बेटी नीति के साथ बैठा हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत अभी दिखा दूंगा, 2 मिनट दे दो मेरे को। पहले जो आपको मेन जो बात बतानी है बता देता हूँ। हम जा रहे हैं स्पीति वैली के लिए। ठीक है, स्पीति वैली के लिए ये हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको शिमला से, जो शिमला वाला रूट है ना, 2 रूट जाते हैं स्पीति वैली के लिए, एक मनाली से होकर एक शिमला से होकर। अगर मनाली से होकर जाते हो तो आपको रोहतांग पास के लिए जो परमिट होता है ना वो चाहिए होता है, और अगर शिमला की तरफ से आते हो तो आपको रोहतांग पास वाला परमिट नहीं चाहिए। तो मैंने यूँ सोचा कि इस बार अपन क्या करते हैं, शिमला से होते हुए जाते हैं। एक तो नया रूट है हमारे लिए भी, मैं भी कभी शिमला की तरफ कभी गए नहीं, अभी तो जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकले हम अपनी लाइफ में, तो कभी शिमला की तरफ गए नहीं, तो शिमला भी देख लेंगे। साथ साथ नारकंडा बहुत अच्छे अच्छे विलेज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रास्ते में सब चीज़ों के नज़ारे लेते हुए, और रेकोंगपियो, ताबो, नाको मोनेस्ट्री, कॉमिक विलेज, सब कुछ कवर करूँगा इस पूरी ट्रिप के अंदर स्पीति वैली में। तो जो ये स्पीति वैली की जो सीरीज़ है वो एपिसोड्स में आएगी, मतलब एक एक करके एक ही वीडियो में। देखो यार, मैं सच बताऊँ, मेरे को एक वीडियो में मज़े नहीं आते, ना तो मुझे देखने में मज़ा आते ना मुझे दिखाने में मज़ा आते। एक वीडियो में अब अगर मैं चाहूँ तो अभी जस्ट यहाँ से बैठा बैठा बस यूँ करूँगा और स्पीति वैली आ जाएगी, और यूँ करूँगा तो वापस घर पहुँच जाऊँगा, तो उसमें क्या ही मज़ा आएगा यार। देखो एडवेंचर, एक वीडियो क्यों होती है पता है, उसके अंदर वीडियो के अंदर है ना सब कुछ होता है। आप देख सकते हो कि कैसे रास्ते थे, क्या हमारे को मुश्किल आई वहाँ स्पीति वैली जाने में, कैसे पहाड़ हैं, कैसा मौसम है, कैसा नेचर है, कैसे लोग हैं, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए वहाँ जाने से पहले, वहाँ जाके क्या करना चाहिए, और वहाँ से आने के बाद आपकी जो मर्जी वो कर सकते हो, है ना बेटा। ये तो बेचारी ऐसे सुन रही है, थोड़ी थोड़ी स्माइली कर दे, पापा गुम्मी गुम्मी करके आ रहे ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या सामान लेके जाना है, बट उससे पहले एक बार चैनल का लोगो देखो और कैसा लग रहा है ये बताना। अपनी गाड़ी एक्चुअली 500 ऑटोमेटिक है, डीजल के अंदर है। ठीक है, अब पीछे से आपको सामान और दिखा देता हूँ फटाफट। तो जो ये वाला अमेजन वाला हटा देना, बाकी ये जो कार्टून है इसके अंदर है सारा कैंपिंग का सामान, ये जो कार्टून है इसके अंदर है सारा का सारा अपना किचन का सामान, जिसके अंदर हम कुकिंग यूटेंसिल्स सब कुछ है, मसाला वसाला, आटा वाटा सब कुछ, दाल चावल इसके अंदर है, सिर्फ इसके अंदर है कैंपिंग का सामान, जो भी कैंपिंग में हमारे को यूज होंगे, लाइट वाइट कुछ भी, वो सब कुछ इसके अंदर है। बाकी हमारे 2 बैग ये हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरफ भी मैंने ये लिखवा लिया था, देखो रावनस ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, जो भी नया बंदा हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम जब भी जाते हैं ना, हमेशा बेड बना के लेके जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। ये जो दोनों लास्ट की सीट है, 7 सीटर गाड़ी अपनी, तो जो दो लास्ट की सीट है ना सारी फोल्ड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आराम से बैठ के जा सकते हो। ये हमारा खाना पैक हो चुका है, जिसके अंदर 10-12 पराठे डलवा लिए, अचार डलवा लिया, रास्ते में चाय, बस चाय लेनी है और अपना डिनर करना है रास्ते में। तो हम जा रहे हैं भाई 4 जने। ठीक है, जिसमें से एक मेरा भाई है, 2 मेरे दोस्त हैं, दोनों दोस्त अभी आने वाले, अलवर से चल दिए हैं वो अपने घर से, और वो यहाँ पहुँचने वाले, जैसे पहुँचेंगे मैं आपको मिलवा दूँगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर परेशान कर रही है, गर्मी भी बहुत हो रखी है भाई, गर्मी कम से कम यहाँ पर अभी 26-27 डिग्री कुछ ऐसा होगा, लेकिन भाई हुमस इतनी गंदी हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो भाई पहले बता देता हूँ, इस ट्रिप में कोई जल्दबाजी नहीं है कि घर से निकले सीधे स्पीति वैली और स्पीति वैली से सीधे घर, नहीं, आराम आराम से जाएंगे, आराम आराम से आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी देंगे, जगह के बारे में जानकारी देंगे, खाना पीना रहना सब कुछ। ठीक है, तो लास्ट तक सारी वीडियो देखना, मज़े आने वाले इस पूरी सीरीज़ के अंदर, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्तों के आने के बाद, बाय कर देते हैं, बाय बाय।
तो चलो भाई, अपने दोस्त भी आ गए और हम रेडी भी हो गए। टाइम हो चुका है 9:21। गाड़ी में बैठ के आगे बताऊंगा कि ये लेट क्यों हो गए और क्या इनका सीन था, ठीक है? उधर से वो डिल्लू भी देख रहे हैं। हेलो, क्या क्या है डिल्लू? हम घूमने जा रहे हैं। तो भाई, यहाँ से अपनी ट्रिप जीरो कर दी हमने, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जीरो। यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होती है और कितने किलोमीटर चलेगी, क्या रूट रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। और अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से। चलो भाई, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और अब चलते सीधे पेट्रोल पंप, पहले डीजल डलवाते हैं इसके अंदर, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। हाँ, तो जो ये वाला टोल टैक्स है, ये लेके जाता है हमारे को जयपुर टू अम्बाला। तो यहाँ पर अपना टोल, पहला स्टार्टिंग का सबसे पहला टोल यहाँ कटता है, और उसके बाद फिर इतने मस्त वाले रोड हो जाते हैं भाई, जिसकी हद नहीं, एकदम मज़ेदार। लो भाई, तो यहाँ से डीजल डलवा रहे हैं और ये रेट चल रहा है अपने यहाँ पर 88 रुपये। तो भाई, 68.19 लीटर, 6000 का मतलब डीजल आ चुका अपनी गाड़ी के अंदर। और अब चलते अपने यहाँ से आगे की तरफ। DF अगर अपने इसमें वार्निंग दिखाएगा ना, तो अपन इसमें डलवा लेंगे। अभी यहाँ से रहने देते, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा महंगा है, 200-300 रुपये। बाकी कहीं और से देख लें, क्योंकि ये वैसे आपको पता है 152 डी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मिल सकता है यहाँ पर महंगा। भाई साहब, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है मेरे पास iPhone 14, ठीक है? अभी जो जिस ट्रिप पे जा रहे हैं ना हम, उस पे हम लेके जा रहे हैं कम से कम 5.5 करोड़ का फोन होगा, नहीं 5.5 करोड़ का फोन है भाई ये, ठीक है? और ये फोन सिर्फ और सिर्फ नीरज जी ओन करते हैं, इनके पास है फोन दुनिया के अंदर, और किसी के पास नहीं है फोन। इस फोन को मैं दिखाने जा रहा हूँ, कृपा कर दिल के मरीज इससे दूर रहे। ये देखिए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस फोन का नाम है केचोड़ा। कचकरा भाई, कचकरा क्या उसकी ऐसी, मेरे एक हाथ से भी छोटा फोन है भाई, मतलब। और ये देखो कैमरा इसके अंदर भाई, कितना है, 100 मेगापिक्सल, चांद तक देख सकते हो यहाँ से भाई। 4.25 करोड़ का तो कैमरा। और जो हम जो वो क्या कहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, स्टार वाले शॉट जो लेंगे, जो रात को जो तारे दिखते हैं स्पीति वैली में, वो जो लेंगे, तो वो इसी से लिए लिया जाएगा भाई। ये परफेक्ट है, 100 मेगापिक्सल कैमरा। और ये देखो भाई साहब, इसकी स्क्रीन भाई, इससे ज्यादा मजबूत कोई फोन नहीं है। 1 से लेकर 9 तक नंबर है, 0 भी है इसके अंदर भाई। और आगे भी ब्रांडिंग है, पीछे भी ब्रांडिंग है भाई। हमें तो बहुत बढ़िया लगा फोन, और बहुत मस्त है। अब सारी की सारी वीडियो इसी से बनेगी, ठीक है भाई? ये देखे भाई, हम तो रुके थे यहाँ पर अपनी गाड़ी का वो करवाने के लिए, मतलब शीशा साफ करने के लिए। चला तो गया वो स्कॉर्पियो वाला भाई, मजे धूल देखो, कितनी धूल करती भाई साहब। उधर आगे PCR भी खड़ी है, और उसके बावजूद भाई फुल धूलम धूल। तभी तो काली गाड़ी वाले सब डरते हैं भाई। जो भी आपने स्कॉर्पियो देखी ना, वो स्कॉर्पियो वाले ने इस अपने भाई को, मामा यादव जी को, इनको ये केक दे के चले, कह रहे XUV500 वाले को दे जाना। ये क्या मतलब हुआ मेरा भाई? सब बिल्कुल भाई, सारा जिंदाबाद छत्तीसगढ़ बिरादरी, ठीक है भाई। तू कौन सी बिरादरी से भाई? ये आदिवासी से, आदिवासी जिंदाबाद। तो भाई फाइनली अपना पहला टोल टैक्स आ चुका है, मतलब पहला नहीं, सेकंड टोल टैक्स आ चुका है। जब हमने एंटर करे थे ना इस वाले रोड पे 152D के लिए, तब से लेकर एग्जिट के लिए पहला वाला ही है, मतलब हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं जस्ट। मेरे ख्याल से 17 किलोमीटर कुछ और रहेगी, फिर अम्बाला रोड पे आ जाएंगे। अम्बाला नहीं पहुंचेंगे, अम्बाला रोड पे आ जाएंगे हम। ये 2090 रुपये इसके अंदर पड़े हुए हैं, दिख गया ना आप लोगों को? अब फिर भी नहीं हो रहा, देख लो। एक मिस्टर शाकाल भाई घूम रहा अपना इधर, इसको कुछ पता ही नहीं था, देख के देख के सो गए भाई। क्या देख रहा है इसके अंदर? गाड़ी देख रहा अपनी, बढ़िया एकदम मस्त। अभी एक भाई आया है, ये यंत्र लेके आया है, ये मतलब ये सब बेकार है लगे हुए, इससे लगा के जब टचुक टचुक टुक करेगा वो। टचकी चुइया
खोल दो यार, मैं तो कह रहा हूँ तोड़ ही दे इससे अच्छा तेरे को। इतना तो समय बर्बाद कर दिया हमारा खाम खा के इसने। हो गया भाई 3 मिनट, मैंने चाहे रूल के हिसाब से खोल दो फ्री में। भाई तो यहाँ से तो नहीं खुला भाई, यूँ कह रहा लाइन चेंज कर लो। ठीक है तो लाइन और चेंज कर लेते एक बार। वैसे हम जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टकले को उड़ा के लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं यार। यू नो वी आर गुड पीपल्स एंड गुड पीपल्स नेवर डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। हम जाएंगे लेन चेंज करेंगे हम, क्योंकि हमारी माता श्री ने कहा बेटा ना किसी लड़ना झगड़ना, ट्रिप पे जाते हो ट्रिप पे जाओ। रियलिटी बात है भाई, जब भी कहीं घूमने जाते हो तो अवॉइड करो रोड रेजेस वगैरह, लड़ाई वगैरह, सिर्फ एंजॉय करो, मजे लो। अब नहीं हुआ ना तो मैं फिर वो सारी बातें भूल जाऊंगा। मिल गया भैया, धन्यवाद, बच गया भाई वो। बढ़िया मजे आ रहे हैं अभी भी, 4 घंटे 42 मिनट दिखा रहा है, 199 किलोमीटर है यहाँ से अभी शिमला। तो अपने चलते तुझे हंसी की बारी भाई। इसी बात में मुझे मरोड़ी मार के दिखा। चलो भाई मजे आ रहे हैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजे आ रहे होंगे। अगर मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ तक, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना कि चलो बे चलते हैं हम भी 4-5 यार दोस्त मिलके स्पीति वैली घूम के आते हैं, शिमला विमला सब जगह बढ़िया बढ़िया मस्त। आज बस क्या बोल दिया, शिमला विमला कह रहा हूँ मैं। भाई यहाँ पर ले लिए गए हमसे 100 रुपए हिमाचल एंट्री के। ठीक है, जो टोल टैक्स ले रहे थे वो तो ले ही रहे थे, एंट्री के भी 100 रुपए ले लिए, जिससे कि क्लीन और ग्रीन दोनों रख सके हिमाचल को। चलो देखते हैं। तो अब जो ये रास्ता बचा ना 80 किलोमीटर का, ये पूरा जलेबी वाला रास्ता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। भाई फिलहाल जीरकपुर पहुंच गए और जब भी आपने पीछे देखा जस्ट वो चेकिंग चेक पोस्ट था जीरकपुर का, मतलब हमारे को यहाँ पर शायद पहला चेक पोस्ट मिला ना। भाई कहीं कहीं तो इनको वो दे रखी क्या कहते हैं टोयोटा हाइलक्स, और कहीं कहीं भाई कैंपरमैन लेके घूम रहे पंजाब पुलिस। यहाँ से आपके प्रॉपर पार्ट स्टार्ट हो गए हैं। और एक चीज और, यहाँ पर ना बीच रोड पे पत्थर गिरे हुए देखे अभी मैंने जस्ट पीछे, मतलब आपको आगे भी दिख जाएंगे। थोड़ा सा ना अब रात के टाइम में तो अवॉइड ही करना पहाड़ों पे, मैंने सोचा था सुबह हो जाएगी जल्दी बट मेरे को लग नहीं रहा, 5:30 से ऊपर हो गया है, 5:45 हो गए हैं, बट अभी तक धूप मतलब सूरज तो छोड़ो दिन भी नहीं निकल रहा ढंग से, अभी देख लो ना आप नीला नीला ही हो रखा है सिर्फ ये। कुछ अलग ही चीज़ आ गई, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, हेल्प अस टू क्लीन एंड ग्रीन। ओके तो ये कुछ होरिजन ग्रुप का कुछ अलग से ही भाई, पता नहीं क्या ही सिस्टम है। भाई जो ये तीन रास्ते फटेंगे ना, ये देख रहे हो यहाँ भी रास्ता इधर भी रास्ता है, तो बीच वाला रास्ता ले लेना। ठीक है, ये जाएगा सीधे शिमला सोलन की तरफ। हेलो, तो भाई गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भाई साहब सुबह सुबह सूरज के दर्शन करके जो खुशी मिलती है ना, जो ताजगी आती है, क्या ही बताएं, खतरनाक वाली। हम नहीं रुक पाएंगे इस होटल में, नमस्ते, हम जाएंगे आगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ आगे पड़ेंगे होटल सस्ते। ये है थोड़े महंगे, ये सोलन बस स्टैंड भाई, ये रहा बस स्टैंड। लो भाई जेल के दर्शन हो गए सुबह सुबह, यहाँ जिंदगी में भी नहीं जाना भाई, कुछ भी हो जाए
यहाँ नहीं पहुंचना बस कभी। तो भाई ये एंट्री गेट आ गया अपना शिमला का मस्त। अरे ऐसे कैसे होटल कैमरा दे रहा भाई, कैमरा दे रहा, कमरा दे रहा भाई, जबरदस्ती दे रहा था। मैं तो सोचा वो कोई टिकट विकेट बेच रहा हूँ। तो भाई ये यहाँ की कुछ ऐसी सिटी सी है, इनके ऐसे घर बने हुए हैं जैसे कि बारिश या बर्फबारी वाले जो जगह है वहाँ पर पड़ती है ना, ऐसे बने हैं। और भाई ये इनका छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ हिमाचल परिवहन की हुई है भाई। भाई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, देखो ऊपर से इसमें दिख नहीं रही यार सेट। कोई नहीं, अरे बहुत धुआं देखना, कितनी गंदी गंदा धुआं, छोटी काला धुआं, हिमाचल की बस बहुत पुरानी भाई, बहुत पुरानी है बस की हालत भी देख, खस्ता हो चुकी है बिल्कुल, खस्ता का छोड़ी जैसे। लो जी भाई नॉर्दर्न रेलवे शिमला एग्जिट, ये एग्जिट हो गया, एंट्री कहाँ से थी भाई इसकी? तो फिलहाल भाई ये वाला भाई अपने को लेके जा रहा है होटल के लिए। ये पार्किंग भी बता रहे हैं यहाँ पर, इधर नीचे कहीं बता रहे हैं, कौन सा होटल बता रहे हैं इधर दिखाना, वो वाला नहीं है किसी की। एक गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ पर और गाड़ी की पार्किंग है 300 रुपये 24 घंटे की, ठीक है। वो सामने तीन बंदे जाते दिख रहे हैं लेडीज से आगे, वो तीनों बंदे हमारे सामान लेके जा रहे हैं, खासकर मेरा तो जरूर भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, साफी वगैरह और अपने स्पीकर है जो गाने बजा। तो भाई इधर से कहीं से होटल राजदूत की एंट्री है, उधर पीछे से आ रहे हम। खतरनाक एंट्री भाई, उतर तो रहे चढ़ेंगे कैसे। लो भाई तो यहाँ देख लिया था, ये एंट्रेंस अपनी और यहाँ से अपना रूम है भाई। एक बार रियलिटी में रूम देखो जरा, कितना शानदार उधर से एंट्री है। यहाँ दो बंदे, ये दो हमारे जो बच्चे हमारे साथ वो सो जाएंगे या हम दो सो जाएंगे। इधर से भाई आपका बालकनी का व्यू है और ये बढ़िया शानदार सोफे और नज़ारे देखो, कितने सुंदर है। तो भाई रेट वेट डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। छोटा सा टी वी भाई, अब ये टी वी ऐसे ना जैसे बिल्कुल टैब जैसा ना, और इसी का चलो। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी बढ़िया नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा, और यहाँ पर आपको देखने के लिए सगल भी मिल जाएगी अपनी, ठीक है। तो भाई ओए डोंट डिस्टर्ब मी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब इससे आगे आने वाली नेक्स्ट वाली जितनी भी जो वीडियोज है ना उसमें बहुत ज़्यादा मजे आने वाले, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे, अब आराम से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे चलेंगे स्पीति वैली के लिए, पहले शिमला घुमाऊंगा उसके बाद चलेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, प्लीज़।